का जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है, अपनों के नाम वो कर जाती है। अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। अरे ये क्या, तो अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ मैं तैयार ही तो हूँ भाई साहब। ये बस कुछ फल और मिठाइयाँ हमारी तरफ से शगुन है, हमारे बेटे की सगाई है। देखने में तो महंगी मालूम पड़ रही है। ये अंगूठी तो यहाँ के सबसे बड़े ज्वेलर्स के यहाँ की है, हीरे की अंगूठी है। कैसी औरत से पाला पड़ा है जिसे अपने बेटे की भलाई नजर नहीं आती? जी हम ये नहीं चाहते, वो तो विराज इतने दिनों तक बाहर रहता है, हमारा मन बहुत घबराता है जी। लगता है मेनका को आने में देर हो जाएगी, आप एक काम कीजिए, आप दर्शन कर लीजिए, तब तक मैं और पापा यहीं पे वेट करते हैं। ठीक है बेटा। पापा एक मिनट। मेरा पाँव। क्या हुआ दादी? क्या बेटा, क्या हो गया, क्या मालूम है मेरे पाँव में। दादी माँ आप आइए, आप यहाँ बैठिए। दादी माँ आराम से आराम से बैठिए, मुझे दिखाइए। पैर में चोट आ गई है।
क्या हुआ इन्हें? ये मेरे पापा, ये सीढ़ियों से नीचे गिर गए, तब से इन्हें होश नहीं आ रहा है। आप प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें चेक करता हूं। वार्ड बॉय, इन्हें अंदर लीजिए। आप लोग यहीं रुकिए प्लीज। सुकन्या हमारी बेटियां। बहू, ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ दीपक को? माजी, पता नहीं इनकी किस्मत में क्या लिखा है, बार बार इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? माजी, धीरज रखो बहू, हमारे दीपक को कुछ नहीं होगा। मेनका, ये सब ये सब हुआ कैसे? मैं और पापा मंदिर में मेनका का वेट कर रहे थे कि तभी मेरे सामने एक बूढ़ी दादी ठोकर खा के गिर गई। देखो तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ कांचा, सर को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मेरे पापा कैसे हैं? देखिए, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, लगता है उन्हें फिर उसी जगह पर चोट लगी है जहां पर पहले लगी थी। देखिए आप सब्र रखिए, पेशेंट की हालत ठीक हो सकती है लेकिन उसके लिए हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए। ऑपरेशन करने के लिए आपको कुछ फॉर्म्स भरने पड़ेंगे और साथ ही ऑपरेशन का पूरा अमाउंट एडवांस में जमा करना होगा, तभी हम ऑपरेशन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कितना खर्चा आएगा? 10 लाख रुपए।
10 लाख? जी हाँ, और ऑपरेशन जल्द से जल्द होना चाहिए क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। सुकन्या हमारी बेटियां। चलो, मंगनी भी धूमधाम से हो गई, ससुराल वाले भी अच्छे मिले हैं और पूजा भी वहां अच्छे से रहेगी। पूजा वहां बहुत खुश रहेगी। मैं कृष्ण, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी, कुछ खाने के लिए दो। जाओ अभी लेकर आई। हेलो। हेलो आकांक्षा, बिल्कुल सही वक्त पे तूने फोन किया है। तुझे पता है आज क्या हुआ? क्या बात है आकांक्षा, तू रो क्यों रही है? दीदी, पापा बहुत सीरियस है। क्या? आप ना, आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए दीदी। हम अभी आते। क्या हुआ कृष्णा? माँ जी, पापा हॉस्पिटल में। पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा माँ जी? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जिसे बेचकर हम पैसा इकट्ठा कर सके। सोहन, तुम माँ के पास रुको। माँ, मैं देखती हूँ, शायद कुछ पैसों का इंतजाम कर पाऊँ। बेटा, मीनका पैसों का इंतजाम करने के लिए गई है। उसने आज तक हमारी मदद की है। मुझे लगता है कि इस बार भी वो पैसे इकट्ठा करेगी। वो तो ठीक है माँ, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हमें कहीं ना कहीं से तो इंतजाम करना ही होगा ना। लेकिन बेटा, तुम कहाँ जाओगी? किससे पैसे मांगोगी? मैं देखती हूँ दादी, अब मैं सुमन जी से बात करती हूँ। हो सकता है कि वो मेरी मदद कर पाए, या फिर कोई और। लेकिन पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा ना। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं सुमन, मैं अकेली ही जाऊंगी, तुम यहीं रहो। अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत हो तो मैं कॉल करूंगी। आप परेशान मत होइए, हम सब मिलकर पैसों का इंतजाम कर लेंगे। प्लीज परेशान मत होइए। ठीक हो चली थी, फिर अचानक ये सब। क्या करे भाई साहब, हम तो मंदिर गए थे दर्शन के लिए, वहां कृष्णा के पापा सीढ़ियों से गिर गए और ये सब हो गया।
बहन जी, भाई साहब अभी कमजोर है, उनको लेके वैसे भी आप लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए। कुछ दिनों से इनकी तबीयत में सुधार आ रहा था और मेनका ने भी अपने कार भेजे थे, तो हमें लगा कि क्यों ना उनको भी साथ ले जाए, दर्शन करके उन्हें भी अच्छा लगाए। बिल्कुल सही कह रही हैं बहन जी, पर हम करना कुछ और चाहते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है। हमारे मंसूबे वैसे नहीं होते हैं, पर ऊपर वाला जो चाहे वही होता है। लेकिन फिकर मत कीजिए, आप लोगों ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, भगवान आपके साथ भी कुछ बुरा नहीं करेंगे। भाई साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सोहन, आकांक्षा नहीं दिख रही है कहीं? दीदी, वो डॉक्टर ने सर के ऑपरेशन के लिए 10 लाख मांगे। दीदी, वो डॉक्टर ने सर के ऑपरेशन के लिए 10 लाख मांगे। इसलिए आकांक्षा उन पैसों का इंतजाम करने गई। क्या 10 लाख रुपए वो कहां से लेकर आएगी? कृष्णा, मैं देखता हूँ कि मैं कितने पैसों का इंतजाम कर सकता हूँ। एक्चुअली पूरा तो नहीं, लेकिन शायद थोड़ा बहुत कर सकता। हाँ बेटा, इस समय जो भी हो सके हम लोगों को करना चाहिए। जाओ, तुम भी कोशिश करो। फाइनली वही हुआ जो हम चाहते थे। खतरा तो था, लेकिन शायद तुम्हारी जिद के आगे उस खतरे ने भी हार मान। और अब हार मानने की बारी आकांक्षा की है भाई। तुम नहीं जानते आज मैं कितनी खुश हूं। मैं भी, मैं, लेकिन मेरी खुशी अभी अधूरी। जब तक उस आकांक्षा की आंखों में आंसू नहीं देख, उसे टूटता हुआ नहीं देख, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। तो तुम्हारे चैन से बैठने के दिन ज्यादा दूर नहीं है भाई। अब आकांक्षा बहुत जल्दी टूटकर बिखरने वाली है, और सिवाय आंसुओं के कोई साथ नहीं देगा अब उसका। बिल्कुल मेनका, सोहन तुम्हारा हो जाएगा और वो प्रोफेसर भगवान को प्यारा हो। और अगर ना भी हुआ तो क्या, आकांक्षा का दुख ही उसे खत्म करने के लिए काफी होगा। मेरी इतनी दिनों की मेहनत का फल कुछ ही समय में मिल जाएगा भाई। आकांक्षा अपने पापा के
ऑपरेशन के लिए पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पाएगी और ना ही वो सोहन पैसे जुटा पाएगा कहीं। तो फाइनली मैं बनूंगी इस पूरे ड्रामे की हीरो। जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। वैसे मैंने कहा, अब तुमने क्या सोचा? पैसे तो सोहन को मिल जाएंगे लेकिन इतनी आसानी से। उसे पैसों के लिए वो करना पड़ेगा जो उसे कहा जाए, और उसे क्या कहा जाएगा ये तो तुम भी जानते हो। बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या।